पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। चाबी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जाए खोलछ रुज आराम सर रुज याजा करिस करो ये गुंजाय जाय मुकरर ईद गास में गसन के हम तुम्हारे साथ हैं साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे क्या चाहिए। आम आदमी को नौकरी नहीं चाहिए, आम आदमी को पैसे नहीं चाहिए, आम आदमी मेरी तरह जो गरीब होता है उसको खाली या तो राशन कार्ड की प्रॉब्लम होती है या पावर की प्रॉब्लम होती है। वादा किया था मैं उस पर मुकरना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी उम्मीद भी थी जो आपके लिए काम करेगा, मेहनत करेगा, गांधरबल की तरक्की में अपना हाथ बटाएगा। आज 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 वो मेरी मुखालफत कर रहा है। चलिए ठीक है, कल तक मैं ठीक था, आज मैं ठीक नहीं हूं, चलिए कोई बात नहीं। आज वो एक ही जो है नारे पे मुझे मुखालफत कर रहा है कि मैं बाहर का हूं। ठीक है ना, अगर आपके पास मेरे बारे में इसके अलावा और कुछ कहने के लिए है नहीं तो मैं ये तस्लीम करता हूं, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने किसी से रिश्वत खाया, आप ये नहीं कह सकते हो कि जो हमने काम गांधरबल में किए उनका एक डबल पैसा मेरे जेब में गया। उसके सामने एक चैलेंज डालता हूं, मेहरबानी करके इन दो दिनों में वो जरा अपने काम गिने जो उसने एज एमएलए गांधरबल के लिए किए, और फिर मैं अपने काम गिने, सिर्फ और सिर्फ उन कामों को गिनूंगा जो मैंने 6 साल में आपके एमएलए के तौर पे किए, चाहे वो पुल के काम हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे सेक्रेटेरियट हो, चाहे डीजी बढ़ती हो, चाहे न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हो, मैं उनका लिस्ट बनाऊंगा। अगर मेरे खिलाफ ये जो आउटसाइड इनसाइड वाली बात करने वाले लोग हैं, अगर उनके काम का लिस्ट मेरे काम से ज्यादा हुए, 9 तारीख तक हमारे पास है अपने कागज वापस लेने के लिए। अगर उनका उनके काम मेरे कामों से ज्यादा हुए, मैं 9 तारीख से पहले पहले अपने कागज जो है यहां से विड्रॉ करूंगा। लेकिन अगर उसका लिस्ट मेरे लिस्ट से छोटा पड़ा तो उनको अपने कागज विड्रॉ करके घर में बैठना चाहिए। मैं भी देखू, आपको बड़ा शौक है ना ये अंदर और बाहर करने का। अरे ना, आपके अंदर बाहर करने से यहां लोगों के मुतालबे हल नहीं होंगे। आपका अंदर बाहर करने से नौजवान जो बेरोजगार बैठा है उसको रोजगार नहीं मिलेगा। बीजेपी को हम रोकने की काम कर रहे हैं, उल्टा ये लोग जो है बीजेपी की झोली में जाके अपना सीट डालने का काम करेंगे। ये कौन सा ऐसा बीजेपी का लीडर है जिसने अपनी तकरीरों में यह नहीं कहा कि अगर हमें 4-5 सीट कम पड़ गए हम आजाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बनाएंगे। सीधी बात है ना, आजाद उम्मीदवार और बीजेपी दोनों को वोट डालना एक बराबर है, जरूर एक बराबर। और ये वो बीजेपी है जिसने हमें परेशान और तंग करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। आजम साहब ने चूल्हे तो बांटे हर घर में, उन्होंने कहा ये गैस का चूल्हा ले लो, लेकिन ये बताना भूल गए कि चूल्हा चलाने के लिए आपको सिलेंडर भी खरीदना पड़ेगा और सिलेंडर की कीमत रोज बढ़ती जाएगी। ये हम लोग हैं जिन्होंने मंशूर में वादा किया है कि हमारी हुकूमत आएगी तो साल में 12 सिलेंडर मुफ्त हम बांटना शुरू करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में यहां के नौजवानों से वादा किया है कि हमारी हुकूमत आई तो हम यूनिवर्सिटी के लेवल तक अपने बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करना शुरू करेंगे।
नियत मेरी साफ है, मैं यहां आपको धोखा देने के मकसद से नहीं आया, मैं आपके वोट को जाया करने यहां नहीं आया। मेरा यहां आने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि 2014 में जहां हमारे काम रुक गए थे उनको हम दोबारा शुरू करें।